हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है पास्ता बनाएंगे और घर से बहुत दूरी पे हैं, 10-15 किलोमीटर दूरी पे, जहाँ पे हमारा खेत है वहाँ पे हम लोग पास्ता बनाने के लिए सोचे थे। रात काफ़ी हो गई है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन अभी सबसे पहले पास्ता हम उबाल रहे हैं। ठंडक बहुत है, मौसम जो है थोड़ा सा ख़राब भी है और आस पास एकदम जो है देख रहे हैं अंधेरा है पूरा, डर भी थोड़ा सा लग रहा है, रात काफ़ी हो चुकी है। फिर भी आज हम लोगों ने सोचा और यह बनाने के लिए, ये सबसे नन्हा दोस्त है हमारा जो कि हम लोग के साथ में आया है, 5 से 6 लोग हैं और मतलब इतनी रात में जो है देख रहे हैं ठंडक बहुत है। प्याज की कटिंग हो रही है और सब कुछ काट पीट के हम लोग रेडी कर देंगे। सामान बहुत कम लेके आए थे, इस वजह से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो ही रही है। बस पास्ता उबल जाए, और उबल भी गया है और अब इसको हमने धो लिया है अच्छे से, फिर यहाँ पे रखा है, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। आई होप अच्छा बने। और ये सब कुछ काट पीट के हमने रेडी कर दिया है, अभी पहले इन्हें तड़का लगाएंगे। सबसे पहले तेल डाला है, फिर प्याज और मिर्ची का तड़का है, इसके बाद अभी मसाला डालेंगे, उसको अच्छे से भून लेंगे सबको। उसके बाद हम डालेंगे उसको अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद हम डालेंगे टमाटर, और टमाटर में हल्का सा नमक डालेंगे, उसको अच्छे से भूनेंगे ये देखिए। और जब ये मतलब पानी छोड़ने लगे तब इसमें पास्ता डाल देंगे हम लोगों ने, और फिर उसको अच्छे से 10 मिनट तक तो मतलब ढक के रखना है, फिर अच्छे से हो जाएगा। और ये देखिए मसाला हो भी गया है अच्छे से, बहुत अच्छी ग्रेवी बनी है, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। और पास्ता डाल तो रहे हैं बट ये है ना, सामान कम था तो उसके अब प्रॉब्लम हो रही थी और चिपक सा गया है सारा, ये देखिए, लेकिन अच्छा बना हुआ है और कलर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था। काफ़ी लोग आए थे, मज़ा ही कुछ अलग है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत ही लाजवाब।